जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस देश में कई परिवर्तन आए। 700 वर्षों तक इस्लाम की चमचमाती तलवार तथा 250 वर्षों तक अंग्रेजों का दिल दहला देने वाला अत्याचार भी हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाया। इसका मुख्य कारण है हमारा बौद्धिक बल और चरित्र। किसी कवि की यह धारणा सर्वोपरि सत्य है कि यूनानो मिश रोमा मिट गए जहां से, यूनानो मिश रोमा मिट गए जहां से, मगर अब तक है नामो निशान हमारा। कुछ बात है हसी मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है हसी मिटती नहीं हमारी, दौरे रहा दुश्मन जमा हमारा, दौरे रहा दुश्मन जमा हमारा। महाराणा प्रताप ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए 26 वर्षों तक जंगलों में घास फूस की रोटियां खाई, परंतु कभी हार स्वीकार नहीं की। पता नहीं जाने जाने में कितनी ईंटें दबी होंगी इस आजादी रूपी इमारत की नींव रखने में। मैंने तो सिर्फ एक ईंट का जिक्र किया है। इसी संदर्भ में मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि आजादी की इस दुल्हन की मांग खून से सजाई थी, आजादी की इस दुल्हन की मांग खून से सजाई थी, माताओं की गोद उजड़ गई तब जाकर आजादी आई थी। भारत माँ तेरे लाडले भगत आत्मा बोस गए, भारत माँ तेरे लाडले भगत आत्मा बोस गए, राजगुरु भक्त भगत सिंह सुखदेव फांसी निर्दोष गए, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव फांसी निर्दोष गए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगी, जिस देश के नागरिक अपने देश के इतिहास को भूल जाते हैं, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मुझे विश्वास ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सभ्य नागरिक बनेंगे। अंत में यही कहूंगी, पीर हृदय से आज पर्वत भी पिघलना चाहिए, आज हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही नहीं, इस बिगड़ते भारत की सूरत बदलनी चाहिए, इस बिगड़ते भारत की सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। Thank you.